नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल इंग्लिश ज्ञानशाला में। आज का वीडियो जो मैं लेकर के आया हूँ वो ऐसा है कि अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, अगर आपको इंग्लिश से पूरी तरीके से डर लगता है कि आखिरकार इंग्लिश में कैसे शुरुआत की जाए, तो मैं आज आपको बेसिक फंडामेंटल ऑफ ग्रामर के कुछ रूल बताने जा रहा हूँ। तो बेसिक फंडामेंटल अगर आपको सीखना है, अगर आपको इंग्लिश से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठने पर या फिर किसी तरीके का एग्ज़ाम देने पर या इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश को बोलने में, तो पूरी इंग्लिश इन बेसिक पर, इन फंडामेंटल रूल पर डिपेंड करती है। अगर आपका ये बेसिक फंडामेंटल रूल क्लियर हो गया एक बार, तो फिर आपको किसी तरीके से इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी की सारी इंग्लिश आपकी उंगली पर गोल गोल घूमेगी। तो तैयार हैं आप हमारे साथ इंग्लिश का बेस जानने के लिए कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, इंग्लिश का जो पहला लेसन है वो क्या होना चाहिए? अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर आप जीवन में कभी भी अपने जीवन में आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। जैसे गणित पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम को आपको पता होना चाहिए, टेबल पता होनी चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर हम आज ग्रामर पढ़ने के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आज हम उनको पूरा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है उसको दबा दें और उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे आप दबा करके हमारे किसी भी नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचाएँ। सब्सक्राइब करने का कोई भी किसी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है किसी तरीके का, बिल्कुल ये फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। जो आइए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं आज का इंग्लिश बेसिक फंडामेंटल। तो जानिएगा इंग्लिश में सबसे पहले टेंस पर डिपेंड करता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताएं टेंस कितने होते हैं, तो टेंस आपको जवाब देना है, टेंस हमारे होते हैं तीन मेन टेंस। एक है पहला प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये चार टेंस हैं, तीन टेंस हैं, और इन तीनों टेंस के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए। इसी क्रम में आपको बोलना है, पहला टेंस प्रेजेंट, दूसरा टेंस पास्ट, तीसरा टेंस फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीन टेंस हैं, या कह लें कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन हमारे पड़ोसी हैं, तीन पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति हैं, और इनकी सबकी चार चार संतानें पैदा हुई, और इनकी चार संतानें 1 2 3 4, इनकी चार संतानें 1 2 3 4, और फ्यूचर के चार बच्चे 1 2 3 4। अच्छाई ये है कि इन चारों बच्चों के नाम एक ही जैसे हैं, यानी प्रेजेंट के जो चार हैं वही पास्ट के चार हैं, वही फ्यूचर के चार हैं। तो क्रम नहीं तोड़िएगा, देखिएगा। सबसे पहला इनडेफिनिट पहला है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को आप प्रोग्रेसिव भी कह सकते हो। यही आपके जो चार आपने प्रेजेंट के लिखे, जो आपने इन्हीं को कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए, पास्ट के बनाइए, देखिए देख करके आप कॉपी करके बताएं पास्ट का पहला क्या होगा, इनडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यही आपको कॉपी कर देना है, फ्यूचर के चार ऊपर लिखे हुए हैं वही चारों आपको लिखने पर, फ्यूचर का पहला इनडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
कंटिन्यूअस को आप प्रोग्रेसिव भी कह सकते हो। तो इस तरीके से मेन तीन टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबके चार चार बच्चे हो गए, चार चार पार्ट हो गए। इन चार पार्ट के नाम अगर हम लेते हैं तो किसी भी बच्चे का नाम लेना तो उसके पापा का नाम लेने के साथ में लेना। तो आइए हम सबसे पहले प्रेजेंट के चारों बच्चों का नाम लेते हैं इनके पापा के नाम के साथ। प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट के आपने चार हो जाएंगे। अब पास्ट के चार, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के चार, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन किसी भी टेंस के नाम जान लेने से कुछ नहीं होता। अगर आपने केवल टेंस के नाम जाने हैं तो यकीन मानिए आपने कुछ नहीं जाना। आपको टेंस के नाम जानने के साथ साथ आप ये मान के चलो अभी आपका टेंस जो है ये डेड पड़ा है, अभी आपका टेंस डेड पड़ा है, अभी आपको इसको जिंदा करना है। जिंदा करना है मतलब हमको इसके आत्मा जो होती है, इसकी जो सोल होती है, हर एक टेंस की आत्मा, उसको जिंदा करने के लिए जरूरी चीज़ें हैं हेल्पिंग वर्ब। जब आप टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब को जोड़ देते हो, जब टेंस और हेल्पिंग वर्ब, टेंस और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आ जाते हैं, तब हमारा टेंस जिंदा हो जाता है, उसमें जान आ जाती है। तो आइए इस टेंस को हम डेड टेंस को अलाइव करते हैं, इसको जीवित करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा करके। तो देखिएगा हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब याद कर ली तो आधी इंग्लिश तो आपकी यहीं पे खत्म हो गई। तो आइए हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब दो होती है, डू और डज। उल्टा भी पूछ सकता हूँ, डू डज किसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। फिर दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तीन है, इज एम आर। प्रेजेंट परफेक्ट की दो है, हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। तो ये हमारी प्रेजेंट के चारों की हेल्पिंग वर्ब, ये टेंस है, अभी ये शरीर है, ये उसकी आत्मा है, शरीर और आत्मा का मिलन करा दीजिए हमेशा। तो अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट डूडल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन हैव बीन। अब आइए पास्ट को जिंदा करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब एक है डिड, पास्ट कंटीन्यूअस की दो है वाज और वर, पास्ट परफेक्ट की एक है हैड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की है हैड बीन। तो ये हमारी पास्ट की हो गई हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट डिड, पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड। फ्यूचर इंडेफिनिट शैल और विल, फ्यूचर कंटीन्यूअस शैल बी और विल बी, फ्यूचर परफेक्ट शैल है और विल है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ये हमारी हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी। तो आप अगर हेल्पिंग वर्ब अगर याद करते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब याद नहीं करते हैं तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। टू बी वेरी फ्रैंक, सही बोलो, सच बोलो, आपको झूठा वीडियो बना करके डालने का मेरा कोई भी अभिप्राय नहीं है, कतई भी मेरा मकसद नहीं है। आपको मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ लोगों को जिनको इंग्लिश में है परहेज, इंग्लिश से है दिक्कत, इंग्लिश से है परेशानी। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब। मेरे साथ एक बार सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब बोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट डूडल्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन हैव, पास्ट इंडेफिनिट डिड, पास्ट कंटीन्यूअस वाज, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड, फ्यूचर इंडेफिनिट शैल, फ्यूचर कंटीन्यूअस शैल बी विल, फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस शैल हैव बीन और विल हैव बीन। इनको याद करने से आप किसी भी सेंटेंस के टेंस को पहचान लोगे। अच्छा, जैसे मैंने पूछा बताओ डूडल्स कहाँ की हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या बताएंगे आप? डूडल्स प्रेजेंट, मैंने कहा वाज वर्ब कहाँ की है, तो वाज वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस की हो गई हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और आगे जानते हैं, मैं दो टेंस के सामने ये हैश का सिंबल बना रहा हूँ, ये हैश का सिंबल बना रहा हूँ,
ये निशान आप लोग भी बना लीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे हट जाता हूँ, आप इस चार्ट को बना करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हर एक टेंस जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं इन्हीं टेंस में से होता है। ये जो आपके टोटल 12 टेंस, तीन मेन बाकी चार चार उसके पार्ट, 12 टेंस, 12 टेंस में से ही हम बातचीत करते हैं, किसी ना किसी टेंस का होगा। तो जब भी इंग्लिश बोलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वहां पर जरूर लगानी होगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। कोई भी सेंटेंस बोल के देखिए, जैसे आई हैव टेकन माई लंच, अब आई हैव बोला, देखिए अब आप पहचान जाइए आई हैव बोला तो कहाँ का हो गया, हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट में बोला। व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, व्हाई आर यू मेकिंग, आर बोला तो देखिएगा यहाँ पे इज एम आर कहाँ का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अगर मैंने बोला ही डिड नॉट इनवाइट मी टू हिज सैटरडे पार्टी, ही डिड नॉट इनवाइट मी टू, डिड मैंने बोला, समझ जाइए पास्ट इंडेफिनिट है। तो इस तरीके से हर, जैसे कह दिया जाए ही हैज टोल्ड मी दिस थिंग, तो ही हैज टोल्ड मी, हैज यानी प्रेजेंट परफेक्ट। या जैसे कह दिया जाए कि दे वर मेकिंग अनवाइज इन द क्लास, तो वर आया वर्स और वर कहाँ का है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की मदद से टेंस को पहचान सकते हैं। अब आगे आपके सामने ये दो टेंस में मैंने हैश का सिंबल बनाया। ये हैश का सिंबल क्यों बनाया है, पहले तो देखें कहाँ कहाँ बनाया है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट का पहला जो था वो, और पास्ट का जो पहला है वो। ये क्यों बनाया है सिंबल, इसका मतलब मैं यहाँ बताता हूँ कि जहाँ जहाँ ये निशान लगा है, कहाँ लगा है, दो जगह लगा है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट एक पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों टेंस के सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए बात जान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। सिंपल का मतलब क्या होता है, ये चीज हम आगे भी जानेंगे, अभी आप केवल इतना याद कर लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो बताइए कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में नहीं लगती। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में लगती है, सारे टेंस में लगती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हुआ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो इसको याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपने हेल्पिंग वर्ब हमको बता दी हैं, हेल्पिंग वर्ब समझा दी हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने डबल नजर आ रही हैं, डबल नजर आ रही हैं, तो हम कौन सी लगाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की दो हैं, एक डू है एक डज है, तो हम डू लगाएंगे डज लगाएंगे। अब हमने कहा कि कह दिया आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लगाइए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब दो दो हैं, आपने देखा, आपने कहा भैया डू लगाना है डज लगाना है क्या लगाना है, तो ये चीज़ हमसे ना पूछें, आप खुद जानें कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब दो हैं तो डू कब डज कब। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तीन तीन है इज एम आर, तो हम इज कब लगाएंगे, एम कब लगाएंगे, आर कब लगाएंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की दो हैं हैज और हैव, तो हैज कब लगेगा, हैव कब लगेगा, इन चीजों को देखते हैं आगे कभी भी। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, तो देखिए कहाँ कहाँ डज कहाँ कहाँ डू लगाना है आपको। तो सबसे पहले देखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं हमेशा अपने सब्जेक्ट को देखकर लगती, काम करने वाले शख्स को हम ग्रामर की भाषा में सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट को देख के लगती है। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही शी इट, किसी का नाम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही शी इट नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डस चलाओगे, ही डस शी डस इट डस राम डस श्याम डस राहुल डस मनीष डस सिंगलर बॉय डज गर्ल डज मैन डज और बाकी जो छूट गए बाकी सबके साथ डू, बाकी के साथ डू। अब आप बताओ किसके साथ डू किसके साथ डज, मैं बोलता हूं सब्जेक्ट, मैंने कह दिया ही डज यस शी डज इट डज आई, आई मैंने नहीं लिखा तो आई डू
आई डू नॉट, आई डज नॉट नहीं कहेंगे, आई डू नॉट। अब बताइए यू, यू डू या डज, ऊपर तो यू है नहीं, यू डू नॉट, डू लगाएंगे, डू डज में से दे डू, वी डू, ही डज, शी डज, इट डज, रवि डज, श्याम डज, किरण डज, माला डज नॉट लगाएं। अब इस एमाल में देखिए आई के साथ चला जाएगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो तीन हेल्पिंग वर्ब में इस एमाल तो आई के साथ एम, वही पुराना फंडा, ही शी इट मे एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, आई एम, आई एम, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो डू डज नहीं, इज एम आर चलानी है, इज एम आर चलानी है तो आई एम, ही इज, सी इज, इट इज, राम इज, श्याम इज, कुछ भी, राहुल इज या सिंगुलर में, बॉय इज, चेयर इज, और बाकी जो छूट गए बाकी के साथ आर, तो बताइए बाकी के साथ आर, तो यू कहीं लिखा नहीं, यहां तो आई है, यानी कि यू आर, दे आर, वी आर, शी आर नहीं, नहीं सी आर हो जाएगा, जंगल में भागता है सी आर, वो सी आर नहीं, सी इज, ही इज, इट इज, चेयर इज, बॉय इज, फैन इज, सेलफोन इज, सिंगलर, लेकिन कह दिया जाए बॉयज प्लूरल हो गया, जब प्लूरल हो गया तो बॉयज आर, मैन सिंगलर है तो क्या हो गया is और men are, right। अब आते हैं present perfect, present perfect की helping verb has है, वही पुराना फंडा, he, she, it, name and singular subject के साथ has, बाकी जो बच गए, बाकी के साथ है, बाकी सबके साथ है बताइए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट बताइए हैज है कहाँ की हेल्पिंग वर्ब में, प्रेजेंट परफेक्ट की है, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज है, तो हैज है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर आपको ही हैज, सी हैज, इट हैज, मनीष हैज, राजेश हैज, नरेंद्र मोदी हैज, अमित शाह हैज, किरण हैज, लेकिन प्लूरल हो जाए, बाकी कुछ हो जाए तब, तो प्लूरल के साथ में आपको हैव लगा देना है, या बाकी में से नहीं आया तो बताइए, अगर यू बोलता हूं तो यू ऊपर कहीं नहीं लिखा, तो यू हैज कि यू हैव, यू हैव, दे कहीं नहीं लिखा, दे है, प्लूरल में बोला मैंने ग्लासेस हैव, तो ग्लासेस हैज बीन स्टोलन या हैव बीन स्टोलन, तो ग्लासेस बोला, ग्लासेस प्लूरल, तो हैव बीन स्टोलन और ग्लास has been stolen। तो ये present participle की doodles, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर present continuous की जाएगा, में से I के साथ है, she name singular के साथ है, बाकी सबके साथ are, has have been, she name singular के साथ है, बाकी सबके साथ है। अब और कहाँ double helping verb है, present participle होगी, present continuous होगी, present perfect continuous में भी has been है, तो यही कर लीजिएगा, she name singular के साथ has वाला been, बाकी सबके साथ have वाला been। और पास्ट इंडेफिनिट की एक ही है, कौन सी, दे, तो एक है तो कौन सी लगाएं, कौन सी लगाएं, ये तो मामला होगा नहीं भाई, पास्ट इंडेफिनिट की मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाइए, तो आपको पूछना है क्या पास्ट इंडेफिनिट की कौन सी लगाएं, अरे पास्ट इंडेफिनिट की एक तो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी है, पास्ट इंडेफिनिट की एक हेल्पिंग वर्ब है डिड, वही लगानी है, सिंपल, क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पेज मत पलटिए, वीडियो बैक मत करिए, सीधे बताइए याद करके, पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर, राइट, वाज वर है तो वाज का वर कहां, वही पुराना फंडा है, क्या याद हो गया होगा, ही शी इट नेम सिंगुलर यही बोलते थे, एक चीज जुड़ जाएगा एंड आई, इसमें एक चीज जोड़ना पड़ेगा आपको, ही शी इट नेम सिंगुलर और आई के साथ में वॉज, आई वॉज, और बाकी सबके साथ वर, जो छूट गए उनके साथ वर, बाकी के साथ वर। अब आइएगा
पहले इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। बताइए वॉज और वर्ब में से किसके साथ वॉज किसके साथ वर्ब लिखा? ही शी इट नेम सिंगुलर और आई, पहले आई नहीं आ रहा था, आई के साथ वॉज, बाकी सबके साथ वर्ब। तो बताइए क्या होगा? ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, दे, अरे दे तो लिखा नहीं है तो दे बाकी में आ गया, दे वर, हाँ देवर, देवर भाभी, देवर याद रखिए, देवर भाभी पति के छोटे भाई को क्या कहते हैं? अगर कोई स्त्री है, कोई महिला है, उसके पति का छोटा भाई, उसका क्या हुआ? देवर, तो देवा देवर। फिर शी वर नहीं आ रहा, सीवर हो जाएगा भाई मेरे, सीवर वो गंदगी होती है ना, सीवर का सी वॉस, आई वर वॉस, आई आई वॉस, यस, यू वर, ही वॉस, दे वर, वी वर, यस। बाकी सीट नेम सिंगलर के साथ वॉज, बाकी सबके साथ वर। अब आइए शैल और विल केवल जान लीजिए, क्यों? क्योंकि किसी भी फ्यूचर में आप देख लो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, तो सब में कम से कम शैल और विल आपको 100% मिल रहा है, मिल रहा है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल सा देखिएगा, शैल और विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस शैल बी विल बी, फ्यूचर परफेक्ट शैल है विल है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस शैल हैव बीन विल हैव बीन, तो शैल विल पक्का मिल रहा है। बाकी किसी में बी जुड़ रहा है, किसी में हैव जुड़ रहा है, किसी में हैव बीन जुड़ रहा है, वो जोड़ते रहिएगा। शैल विल का आंसर देखिएगा, आई बी के साथ शैल, आई बी के साथ शैल, बस बाकी सबके साथ विल। तो ये इस वीडियो को मैं कई पार्ट में बनाऊंगा, एक दिन में सारी क्लासेस नहीं होती, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये आज का जो असाइनमेंट है, मैं आपको केवल आज का असाइनमेंट, आप रेगुलर वे में वीडियो को देखते रहें, आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, किसी तरीके की फीस पे नहीं करनी, बस एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब बटन आप दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर जो है शेयर करिए, लाइक करिए। तो आज का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, हमारा अगला वीडियो जो होगा इसी के आगे का। तो मैं क्या क्या तैयार करना है मैं आपको बता देता हूँ, आप अगली क्लास में, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या क्या तैयार किया जो मैंने पढ़ाया। आज हमने जाना टेंस मेन कितने होते हैं, तीन, कितने होते हैं तीन, कौन से, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। सबके कितने कितने पार्ट, प्रेजेंट के चार पार्ट, पास्ट के चार पार्ट, फ्यूचर के चार पार्ट, चारों पार्ट के नाम बताएं, इनडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से आपके प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार, फ्यूचर के चार। तो प्रेजेंट के चारों के नाम बताएं, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट के चारों बताएं, पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर के चारों बताएं, फ्यूचर इनडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टेंस आपने नाम जान लिए, बहुत अच्छा किया, अगली क्लास में आपको सुनूंगा। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में हमने चार चार टेंस जाने, लेकिन टेंस अभी डेड है, उसको जिंदा करना है। तो जिंदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब उसकी क्या है? आत्मा है, उसकी जान है। तो टेंस को जिंदा करो, हेल्पिंग वर्ब याद करो। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, चलिए सुनाइएगा, देखते हैं एक बार रिवीजन करते हैं, यही आपको अगली क्लास में सुनानी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट डूडल्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज बीन हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट डिड, पास्ट कॉन्टिन्यूस वाज वर, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन, फ्यूचर इंडेफिनिट शैल विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस शैल बी विल बी, फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस शैल हैव बीन विल हैव बीन। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, दो टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, बताइए कौन कौन से टेंस में मैंने हैश बनाया था? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में, राइट? तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, आगे काम पड़ेगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हेल्पिंग वर्ब आपको दो टेंस में नहीं लगाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब। बाकी दुनिया का कोई भी टेंस हो, कैसी भी इंग्लिश हो, जैसा भी सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बना पाओगे, कतई नहीं बना पाओगे। इसलिए हेल्पिंग वर्ब को दिमाग में, दिल में, दिमाग में रख लो। और जो हेल्पिंग वर्ब डबल हैं उनको मैंने बताया कैसे यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब किसको देख के लगती है? सब्जेक्ट देख के। सब्जेक्ट यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर ग्रामर की भाषा में सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, वर्कर। तो किसको सब्जेक्ट देखना? ही शी नेम सिंगुलर के साथ डज, वर्कर के साथ डू, आई के साथ एम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई के साथ एम, ही शी नेम सिंगुलर के साथ इज, बाकी सबके साथ आर,
प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव ही सी इंटेंस सिंगुलर के साथ हैज बाकी सब के साथ हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही सी इंटेंस सिंगुलर के साथ हैज बीन बाकी सब के साथ हैव बीन पास्ट इंडिफिनिट की एक ही रेट पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर्ब में से ही सी इंटेंस सिंगुलर और आई वाज में आपको कंफ्यूजन होगा एक चीज जोड़ना है वाज वर्ब में ही सी इंटेंस सिंगुलर और आई के साथ वाज बाकी सब के साथ वर और फ्यूचर का कोई भी आई वी के साथ शैल बाकी सब के साथ जैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस है तो शैल बी विल बी में आई वी के साथ शैल बी विल बी बाकी सब के साथ विल बी। तो आज का सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ें। अगर आपको अच्छे से जानना है तो रेगुलर वे में आप इस चैनल को देखते रहें, जैसे ही नोटिफिकेशन आए तुरंत आप उसको देखें और जब भी देखें ध्यान लगा के देखें, शॉर्टकट तरीके से मत देखें कि दो मिनट वॉच किया और फिर निकल लिए। आप पढ़ने के टाइम पर मेरे इस वीडियो को सामने रखें, हेडफोन को कान में लगाएं, ध्यान से सुने, मेहनत करेंगे 100% अंग्रेजी से डरना नहीं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इतना तो करना पड़ेगा। और एक काम और, अगर आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानना है तो नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार में आप ज़रूर हमारे इस चैनल को और हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।